हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने फर्नीचर का जो काम किया हुआ है, हमारा लेआउट वगैरह जो लगना चालू था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी दिनों बाद हमारे इस चैनल पे वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों, हमने क्या क्या किया हुआ है हमारे फर्नीचर वर्क में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड हमारे वीडियो को करना लाइक। तो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया हुआ है। और लूअर्स लगाए हैं, लाइनमेट लगाए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियम प्रीमियम काम हमने किया हुआ है। तो चलिए मैं दिखाना करता हूँ शुरू। दोस्तों, ये हमने टीवी यूनिट बनाया हुआ है, और हमने जो बनाया हुआ है टीवी यूनिट, ये देख सकते हैं, ये हमने लगाया है लूअर्स। ये हमने लूअर्स लगाया हुआ है। ये चौड़ाई था 7.5 इंच का एंड थिकनेस इसका 12 mm का आता है। और ये हमने लगाया है 1.5 mm का लैमिनेट। और ये देख सकते हैं आप, इसका जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी बेहतर है। और इसका जो फीलिंग है, टच फीलिंग बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों, ये देखेंगे ना, बहुत ही प्रीमियम लाइमेट दिखेगा। और इसके कॉम्बिनेशन में दोस्तों हमने ये लिया है, इस तरह से ब्राउन है ये शेड। तो कैसा लग रहा शेड दोनों का, कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड ये है अपना बेड, बेड में भी हमने कॉम्बिनेशन सेम किया हुआ है। और ये देख सकते हैं हमारे काम की फिनिशिंग, H2H हमने इसका अच्छे से पेस्टिंग किया हुआ है। और कैसा है अपना काम वो ज़रूर आप बताना। एंड ये है अपना लूअर्स, एंड ये है इस तरफ का साइड टेबल के ऊपर का लूअर्स। तो दोस्तों अपना इस तरह से है जो भी है। और दोस्तों इस पे अपना जो भी है कुशन आएगा, 6-6 इंच का पट्टा हम इस पे कटिंग करके कुशन का पूरा ऐसे लंबे लंबे करने वाले हैं। आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था। और ये है अपना दोस्तों, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद से, पर आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हमने किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हिडन डोर है अपना, इसके पीछे वार्डरोब है और ड्रेसिंग टेबल है। ये देखिए, इस तरह से ये खुल जाएगा और ऑटोमेटिकली ही ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे हमने वार्डरोब या ड्रेसिंग बनाया हुआ है। तो इसके अंदर का मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों इसको खोल लेते हैं इस तरह से, और इसको हम ऐसा प्रेस करके यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर लॉक है इस तरह से, तो ये लॉक होने वाला है इस तरह से। तो चलिए अंदर का दिखाते हैं कैसा क्या हमने किया हुआ है। पहले तो हमने किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये ड्रावर हैं बड़े, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। और ये ड्रावरों में दोस्तों इस तरह से हमने ये हैंडल लगाया हुआ है। और अंदर का लैमिनेट आपको पहले दिखाई दिया था उस तरफ भी। और ये डोर्स में हमने इस तरह से लैमिनेट लगाया हुआ है दो कलर में, ब्राउन और ग्रीन। और ये ऊपर का दरवाज़ा है दोस्तों, इसमें हमने अभी बेड लिफ्टर और अपना ये हैंडल नहीं लगाया है, अभी बाकी है तो लगाने वाले हैं। एक में हमने लगाया हुआ है, जो कि पंप इसका थोड़ा सा गड़बड़ था तो हमने चेंजिंग के लिए भेजा हुआ है। एंड ये है अपना इस तरफ का ये ड्रावर है। और दोस्तों ये है अपना लॉक है ये, तो इस तरह से अपना ये लॉक है। एंड दोस्तों ये चाबी है इसकी, ये इसकी चाबी नहीं है, दूसरे पार्ट की है, तो ये वाली है शायद, हाँ यही है। तो ये इसका इस तरह से है। और ये बंद करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, सॉफ्ट क्लोजिंग है, आराम से ये बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली है, ये हो गया अभी, ये हो गया अभी लॉक, देख सकते हैं ये इस तरह से हो गया लॉक। अभी इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से है अपना, और इस तरफ का भी अपना दोस्तों सेम है इस तरह से, और सेम कपाट इस तरफ का भी है। पूरे हमने सेल्फ लगाया हुआ है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हैंगर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं था कस्टमर के हिसाब से, तो हमने हैंगर का नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पर आएगा दोस्तों दरवाज़ा, ये बंद करने के बाद अपना यहाँ पर आएगा पूरा इस एरिया में मिरर आएगा, 4.5 फीट चौड़ा है और 7 फीट हाइट में है, तो पूरा अखंड पूरा मिरर आने वाला है। और डोर्स अपना ये बंद होने के बाद में इस तरह से यहाँ पर दिखने वाला है, आप देख सकते हैं। एंड अभी चलते हैं बाहर, और थोड़ा सा काम हमने किया हुआ है दूसरे रूम का तो दिखा देता हूँ। तो ये है मास्टर बेडरूम, और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको दूसरा बेडरूम, ये है जो कि काम चालू है। मैं इसका वीडियो आपको बाद में फिर से दूंगा, एंड पूरा काम होने के बाद में थोड़ा सा मैं हाईलाइट आपको
दिखा देता हूँ, इसमें ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है लैमिनेट का, तो इस तरह से काम चालू है। तो दोस्तों हमारा वीडियो एंड हमारा वर्क कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, सपोर्ट करना हमारा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।